मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड तो हे गाइस, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। हाँ गुड जी, मॉर्निंग टाइगर। चले जी, तैयार हो गए? हाँ। चलो जी आओ। चोट का ध्यान रखियो। ठीक है, निकली हुई है बिल्कुल एकदम। आज मौसम साफ है, अच्छी धूप निकली थी ऐसे ही, बिल्कुल मौसम साफ है। हाँ जी मैडम जी, हो गए तैयार? बस मंदिर जाने के लिए जा रहे हो? यहाँ पहुँच में आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आओ फटाफट। पीछे पीछे आ रहा हूँ, रश है, धीरे धीरे हम कर रहे होंगे। बोल, पीछे पीछे आया? हाँ पीछे पीछे मैं चली, पीछे मैं चली, पीछे आ रहा हूँ। उस मंदिर जाने की तैयारी हो रही है, डॉली जा चुकी है मंदिर, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं गया था वर्कशॉप में, और पूजा हमने आज सुबह ही कर ली थी बहुत जल्दी। सार्थक भी पीछे पीछे मंदिर आ रहा है, पहले मैं मंदिर रुक गया, मैंने प्रसाद ले लिया बस मंदिर में चढ़ाने के लिए, अब सीधा डॉली के साथ। लेट हो गए हैं, जाम लगा हुआ है बाहर सारा, सारा जाम लगा हुआ है बाहर। जा रहे हैं तो गाइस, मैं जा रहा हूँ घर पे अभी, डॉली अभी पूजा करके सोचे भाभी के साथ, ठीक है ना? पराठा बनाए जा रहे हैं, और डॉली को मैं कह रहा हूँ भाई पराठा बना ले, अपने हाथों से खिलाऊंगा आज तुझे। जानबूझ के है ना, कोई नहीं, आज तुम खाओ कल खाएंगे। पनीर का पराठा बनाया जा रहा है, बड़ा मस्त बना है एकदम एकदम। पता मुझे, मसाले डाले हैं सारे इसमें, चीज नमक नहीं खा सकते ना, चीज मसाला डाला नहीं। मीठा पनीर का मीठा पराठा भी बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, मीठा पराठा बन जाएगा। हाँ पनीर का मीठा पराठा खाओ, मैं आप बना के देता हूँ, स्वयं अपने हाथों से हम बना के देंगे आपको। आप अपने हाथों से स्वयं खाओ, हम बाद में खाएंगे। स्वयं खाओ, आपकी फ्रूट खाएंगे भाई, फ्रूट चाय। आपको जो होगा तुम्हारी खत्म, बस करने लगी हूँ, आप जाओ खाओ पियो। मैं नाश्ता करके, नाश्ता करके सार्थक गया दूसरे वाले मंदिर। अच्छा। मैं नाश्ता करके दुकान पर जाने की तैयारी करता हूँ। भगवान जी का जबरदस्त भक्त है, भगवान जी सारे उधर गया जहाँ। चल तू पूजा कर ले, सोने भाई बुला रहे तेरे, ठीक है? और उसके बाद फिर चाय रख लेना। चाय पी लिए हमने, नाश्ता कर लिया, पनीर का पराठा बनाया था मैंने अपने लिए, वो मैंने खा लिया, बस अब दुकान पर जाने की कर रहे हैं तैयारी। और टाइम हो चुका, डॉली को भी मैंने बढ़िया सी चाय बना के दे दी भाई साहब। डॉली नाश्ता कर रही है सोनिया भाभी के साथ, और वो तो उनका तो उसका तो खैर फास्ट है, फूड वगैरह चाय वगैरह पिएगी। और बस अब फ़ोन आ गया किसी कस्टमर का, अब मैं निकल रहा हूँ शॉप पे, सीधा शॉप पे मिलता हूँ। प्यारा सा सैंपल बना के मैंने डाल दिया है येलो कलर का, ये कंपनी है जो बाहर शिमला लेके जा रहे हैं, लिया टैलिया, ये बनाते हैं सूट्स वगैरह ऐसे, ये सारे फैब्रिक के डिज़ाइन हो गए। लंच टाइम हो गया, बस थोड़ा सा डॉली का फ़ोन आया था, सामान लेना था, घर का राशन लेना था, वो लेकर आया हूँ। अब काकू को लेने का टाइम हो गया, बस यहाँ से अब निकलते हैं, अब सीधा मिलते हैं। आज बस आ गए काकू स्कूल लेकर, भाई साहब इतने भारी भारी, तो उसके बैग होते इतने बड़े बड़े। हाँ जी कहू, ये देखो ये मेरे को डर आ रही है, ये मुझे डर आ रही है, डरे नहीं हम काहे डरेंगे। तो भाई इतने भारी भारी बैग होता है भाई साहब, लेके जाता है उठा के जाता है कैसे भाई, जूते कपड़े मतलब पूरी किट लेके जाता है, ये देखो पूरी किट है, और एक टैग है प्रोफेशनल वाला जैसे। चलो पानी पूनी दो, मैं आया हूँ तो भैया इसमें बन रही है हर हर की दाल, और हीरा हींग का छौंका लगा के, और इसमें ये बन रही है चावल, वो हो रहे हैं बॉयल हो रहे हैं, और डॉली ये बना रही है शायद लेमन टी। हाँ लेमन टी बना रही है, नींबू वगैरह सब डाल दिया है, पानी लेके आ रही है डॉली हमारे लिए, बना रही है लेमन टी, और ये हरहर की दाल और राइस, जीरे हिंग का छौका लगा कर। बताया कौन बोलता था ऐसे, जीरा हिंग का छौका लगा कर, कौन बोलता था? वीडियो देखी हम आपके, कौन फिल्म देखी तो है पर याद नहीं आ रहा कौन बोलता था, वही क्या कहते हैं अनुपम खेर। अच्छा, अमचूर की चटनी के साथ आ गई है हमारी लेमन टी भैया, फटाफट पी लो। तो गाइस डॉली बना कर ले आई है हमारे लिए लेमन टी, खत्म एक्सरसाइज वगैरह सारी खत्म, पूरी सिटिंग हो गई है। अब कब जाना है? अब नहीं जाना, क्या कह रहे डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं अब तेरे हाथ मूवमेंट कर रहे थे खाइयो, हाथ आराम से मूवमेंट कर रहा है, चल ठीक है सो जा आराम से, तो लेट जा भैया। तो गाइस उतनी देर में डॉली बना रही है राइस और दाल, डॉली मैं जरा वर्कशॉप को करा लूँ। अच्छा यार इतनी गर्मी है ना बाहर, उमस वाली गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा। तो फास्ट है, तुम क्या खाओगे भाई साहब? आप दही, दही लेकर आ गए हो आपके लिए, दही और फ्रूट खाना है, दही और फ्रूट खाएगी, सुबह चाय पी थी, और बस मैं नाश्ता। अच्छा डिस्ट्रॉय हस्बैंड है नाशपाती,
कुछ और मिल जाएगा तो देख लेना। बाकी क्या मस्त वाली हरहर की दाल बना दी है, सांबर वाली दाल बन चुकी है। और हमारे पास और क्या बना है जी, बॉयल्ड वाले राइस है, बहुत बढ़िया, साथ में लेमन। मैंने जियो का सामान ऑर्डर किया था अभी, भाई साहब 3 बजे ऑर्डर किया, टाइम देख ले 5 भी नहीं बजे हैं और इतनी जल्दी आ भी गया है। फ़ोन आया भैया का, डिलीवरी बॉय वाला आया भी गया, सामान लेकर आया। 2 घंटे के अंदर ही डिलीवरी जियो की हुआ, डिलीवरी बड़ी जल्दी आने लगी, 2 घंटे के अंदर ही आ गया जियो की डिलीवरी भाई साहब। अच्छा जल्दी वाली कर दिया है, 2 घंटे पहले मैंने सामान बुक करवाया था, अभी 3 बजे कराया था, 5 बजे हैं। ये पैकेट आ गया भाई साहब, क्या क्या चीज़ें हैं बाद में शाम को खोल के देखूँगा यार, इसके अंदर क्या क्या सामान करवाया था। काफ़ी बड़ा पैकेट है भाई ये। गाइस टाइम हो चुका है 9:15 और मैं मतलब आ गया हूँ शॉप से, थोड़ा सा जल्दी आ गया था, मुझे काम था। मगर डॉली कहती भैया जितना मर्जी काम हो 9 बजे से पहले पहले ना घर पर आज आ जाना भैया, क्योंकि मंदिर जाना है, फिर मंदिर बंद हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मॉर्निंग में हम मैं सार्थक और डॉली तो चले गए थे मंदिर में, काकू में था टेका नहीं था, और 9:30 बजे 9:45 बजे के आसपास मंदिर हो जाता है बंद। तो डॉली कहती भाई थोड़ा सा जल्दी आ जाना, और मेरे को फ्रूट मार्केट भी जाना था, सब्जियाँ भी ख़त्म हो रखी थी सारी चीज़ें। टमाटर सस्ते हो गए, 50 रुपीज़ किलो लेके आया हूँ, 50 रुपये किलो सस्ते हैं। तो गाइस एक बात बताओ यार, जो 90 रुपये 100 रुपये टमाटर पहुँच गए थे, 50 रुपये हो गए हैं, तो सस्ते ही हो गए ना, आधे रेट हो गए हैं। अच्छा, तोरी 30 रुपये किलो है, प्याज 40 रुपये किलो है, आलू 40 रुपये किलो है, और कुछ पूरी सब्जियों के रेट लिस्ट बता दिए भाई साहब इसने। अच्छी बात है, हाँ जी तोरी खा ही लेते बच्चे। हाँ तोरी तो अच्छी लगती है, प्याज वाली मलाई मलाई तोरी बनाती है डॉली, आपको रेसिपी तो भैया कितनी बारी दे चुकी होगी। सही बात है, बहुत बार दे चुकी है। तो गाइस बस अभी मंदिर जाने की तैयारी है, अब सीधा मंदिर मिलते हैं आपको, और थोड़ी सी तैयारी हो ना, आप साथ में बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तिलक लगा के आ जाओ। लगा लिया, बैठे हुए हैं मंदिर में, थोड़ी देर बैठते हैं और बस उसके बाद काकू का कुछ खाने का दिल कर रहा है, फिर लेके चलते हैं उसको। मैं डॉली का फास्ट डॉली तो नहीं खाई, लगाते हैं भोग, और उसके बाद अब मैडम जी कह रही है सार्थक का खाने का दिल कर रहा है, सोया प्रोटीन वाला मिक्स वाला, यानी कि सोया चंक्स खाने का दिल कर रहा है। जैसे चाउमीन में बनाते हैं। हाँ वैसे बनाना है, तो गाइस एक बार मैं बनाता हूँ। हाँ नहीं काकू काकू फैमिली ब्लॉग में ने मैगी मसाले वाले सोया बिल्कुल बेकार लगेगा, मैगी मसाला नहीं डालना उसमें, आएगा ही नहीं, ब्लैक पेपर आएगा, चाट मसाला और स्पाइसेस दूसरे वाले आएंगे। तो गाइस मैं बनाने लगा हूँ, ओरिगैनो सोया सॉस सिरका पेरी पेरी सॉसेस पड़ी हुई है, पेरी पेरी अच्छी लगी, हाँ पेरी पेरी वो चीज़ वाली, और उसके ऊपर वो क्या नाम है सोया सॉस सिरका। तो ये देख लो भाई साहब व्रत रखा हुआ है, खाना कुछ नहीं, उसके बाद पूरे मजे ले लिए। तो एक दिन कहते हैं उसके बाद तो पता ही ये चीजें बनानी नहीं बच्ची। अब ये पता है ना कि बन जाएगा, उस पर सुबह सुबह हमला पराठे के साथ। काकू साथ तक खा लेगा, जितना खाना है उसका सुबह खा लेंगे। ये रोल बना के सॉस चटनी लगा के रोल बना पराठे के अंदर रोल बना के सफिंग का इधर मैं बनाने लगा हूं, और रेसिपी इसकी काकू फैमिली ब्लॉग में दे दूंगा, देख लेना यार, ठीक है जी। और थैंक यू सो मच आपको, जो पिज्जा बॉम्ब बनाया था मैंने तंदूरी वाला, बड़ा पसंद आया, काफी कमेंट्स आए मेरे पास काफी सारे। भाई बड़ी मजेदार रेसिपी मैंने बनाई है काकू फैमिली ब्लॉग में, इसका है वो देख लेना आप। हाँ मम्मी पता नहीं रोई हो जा रही है। क्यों मम्मी क्यों रो रही है, क्या हो गया रामीबाज नौटंकी नंबर वन, क्या हुआ ए डॉली, क्या नौटंकी कर रही हो, हर टाइम आपको नौटंकी लगती है। रो किस बात के रही थी, क्या हो गया है, क्या हो गया, रो क्यों रही थी। बस ऐसे ही रो रही थी, दिल कर रहा, दिल नहीं कर रहा था, कोई पंगा हुआ है बता दे फटाफट, जल्दी बता दे, कोई पंगा नहीं हुआ, झूठ मत बोल। मैं वैसे ही आंखों में आई ड्रॉप डाल के बैठी थी, काकू कहता मम्मी रोई जा रही है, रोई जा रही है। मैंने कहा इसको पापा ने कहता पापा को बुला के लेकर आओ, पापा को बुला के लेकर आओ, मैं नहीं रो रही, मैं आज पापा ने मेरी ना ऐसे डांट लगाई थी, तो मैं इसलिए रो रही हूँ आई ड्रॉप डाल के। मैं सब्जी बना रहा हूँ अंदर किचन, कह रहा है मम्मी रो रही है, मैं कमाल की बात है भाई। नहीं ये डाल के मैं लेटने लगी थी, उठाने लग गया छोटा आगे, मम्मी 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 क्या हो गया भाई, मम्मी रो के थोड़ा रही है, पागल हो गया क्या है यार तू, ये जीव जी बातें कर। मैंने सीरियस होके बोला ना, पापा ने आज मेरी डांट लगाई इसलिए मैं रो रही हूँ। मम्मी हाथ में आई ड्रॉप की दवाई भी नहीं पड़ी, तूने छुपा देख ले।
चल ठीक, सब्जी बन गई है भैया, रोटी रोटी डालो करो डाल और लंच। और सोयाबीन के चंक्स बड़े सही बने हैं, मैंने खा के देखे एकदम, आंखें दिखाई लाल हो गई है, आंखें लाल हो गई है। ड्राइवर नौटंकी नंबर वन। नौटंकी नहीं आई, वैसी आंखों में ना धुंधला धुंधला सा आने लग गया ना, थोड़ा मैं आई ड्रॉप डाल दूं। अच्छा वो नाइनी लेके आए थे जो मैं लेके आया था, आए थे ना फिर रोज सुबह शाम दो टाइम डाल लेते ना, दो टाइम डाल लेते सुबह शाम से। सोया चंक्स मैंने बनाया है, काकू फैमिली ब्लॉग में इसकी रेसिपी देख लेना भाई साहब, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और भाई साहब ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे नॉन वेज वाली चीज़ बनी हो। और मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ भाई साहब, एक बार छोटे छोटे चंक्स हैं ये वाले भाई साहब, हाई प्रोटीन वाले हैं, बहुत बढ़िया। और ज़्यादा मसाले भी नहीं है, लिमिटेड वाले हैं, बिल्कुल लाइट वाले मसाले बना डाले हैं। तो उसमें है ना जैसे चाउमीन में डालते हैं सामान, हाँ वही डाला है, ज़्यादातर सारा सामान वही डाला है इसमें, हाँ सारा सामान वही डाला है और कुछ नहीं। बाकी अब देख सार्थक ने खाना था पिज्जा अपने, बंद गोभी और वो डाल देते ना गाजर, उसमें थोड़ा और वो हो जाता है। सार्थक ने डाला है पेरी पेरी सॉसेज डाले हैं, वो डाल के खाई है, मैंने कुछ भी सॉसेज नहीं डाले। और इसने तंदूरी सॉसेज और चीज डाल के खाई है, मैंने सिंपल खाई है, बिल्कुल हर किसी का टेस्ट है, इसलिए मैंने सिंपल ही रख दिया, तेरे लिए रख दिया है। आज जरा फास्ट है, बहुत अच्छी, उससे भी ज्यादा फ्राइड वाली भी अच्छी बनी है ये। काकू सही बना रहे हैं, काकू ने तो रोल कर करके खा ली, वही कहा कि मम्मी यही सुबह स्कूल ले जाएगा। तो गाइस हम कर रहे हैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड, और इसकी रेसिपी देख लेना, बहुत इजी रेसिपी है, सिंपल, सबसे मतलब सरल शब्दों में कहा जाए ना सबसे इजी रेसिपी है, और हर किसी के घर में है, और बहुत ही हाई प्रोटीन है, बच्चों को अपने टिफिन में भाई साहब देना तो बनता है एक बार। बहुत टेस्टी रोल बना के खाओ, बहुत स्वाद लगता है, बहुत मेयोनीज और केचप वगैरह डाल के इसमें रोल बना लो, सारे चंक्स को सजाया फिर इसे मेयोनीज और सॉस का ऐसे लेयर डाल के इसका रोल बना के खा लिया। अब बहुत नहीं वैसे सही है यार, सिंपल सी रोटी हो आप ये डाल के चंक्स डाल के सोया चंक्स डाल के खा सकते हो, शिमला मिर्च है, प्याज है और कुछ ज़्यादा नहीं है। वेजिटेबल्स अगर चाहो तो आप वो डाल सकते हो, स्वीट कॉर्न हो गया, ब्रोकली हो गई, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो आपको हल्का से सौते कर सकते हो, साथ में बना सकते हो, उसकी रेसिपी जरूर देख लेना काकू फैमिली ब्लॉग में। रशियन सलाद बनाएंगे, बहुत टाइम हो गया, एक साल हो गया मैंने बनाया नहीं है, वैसे तो नॉर्मल है, तो हाँ काफ़ी टाइम हो गया। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का, मिलेंगे नेक्स्ट, कल देख कर आएंगे फिर काकू फैमिली ब्लॉग में बनाएंगे। और तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच आपकी कमेंट्स के लिए, और इंस्टाग्राम आईडी काकू फैमिली है, 30,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आपका प्यार बेशुमार, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट।